Hey guys, welcome back to my channel राधिका ब्लॉग। मैं उत्तराखंड से हेमा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। सो आज का दिन बड़ा अच्छा है, मीन्स सुहाने मौसम के साथ शुरुआत है हमेशा की तरह। ना बारिश है, ना ज़्यादा गर्म है, ना ज़्यादा ठंडा है। ठंडा तो चले गया, अब तो गर्मियों के दिन आ गए हैं, गंदे गर्मियों के दिन आ गए। शहरों में बहुत गर्मी पड़ती है, गाँव में तो तब भी आराम ही होता है। सो आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ। मिस्टर जी ड्यूटी चले गए हैं, मम्मी जी अपने काम पर लगे हैं, आंसू भैया अपने काम पर लगे हैं। मैं अभी फिलहाल फ्री बैठी हूँ, मैं अभी अपने रूम की साफ सफाई कर रही थी। मैं सब कुछ सही से लगाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में आता था मिस्टर जी बैठे रहते हैं यहाँ पे, वो अपना काम भी करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद जाते हैं तो वो यहाँ पे थोड़ा ऐसा करे रखते हैं। तो बट इतना है, मेरे मिस्टर जी हमेशा अपनी बेडशीट फोल्ड करके जाते हैं, मैं वहाँ पे लगे तो अपना बैठ क्या कर देते हैं, पर पता ही है ना उनसे इतने से नहीं होता। तो मैं अभी खाना वाना खा के अब मैं करती हूँ। सो अब मैं आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ। आज के दिन में क्या क्या होगा वीडियो के साथ बने रहिएगा, आज क्या क्या करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता है डेली घर में क्या होता है, कब क्या करेंगे। सो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को सपोर्ट करिएगा गाइस प्लीज़। सो बिना किसी देरी के, बिना किसी के मैं आज के ब्लॉग को शुरू करती हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा और कमेंट भी जरूर कर देना। मैं एक सांस में इतना बोल रही हूँ कि मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते। सो अब आज के दिन शुरू करते हैं। 3 बार बोल दिया मैंने, भाई 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 भाई। अभी हम छत में आ रखे हैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, सारे कपड़े डाल दिए मैंने और ईजा ने। तो और वहाँ पे सामने देखिए खेत पूरा साफ हो चुका है। आपको बात बताओ, ये आंटी जी लोगों ने आधे गेहूँ कल काटे थे और आधे गेहूँ जो बचे हुए थे सब रात में काटे हैं। अभी वो लोग आए तो वहाँ पे लग गए। ये बड़ा सा खेत भी उन्हीं का है और वो सामने से पपीते का पेड़ लगे वो भी खेत उन्हीं का है। पूरे गेहूँ पक्के हुए हैं और उन्हें मुंह पूरा कवर कर रखा है ताकि जो गेहूँ की वो होती है ना, गेहूँ के कांटे से होते हैं उसकी धूप जैसी वो लगे ना। और जैसे मैंने आपसे बोला मौसम बहुत अच्छा हुआ है, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। हम भी चलते हैं अपनी बाल्टी, अच्छा बाल्टी जा ले गए हैं। हमारे यहाँ पे शादी है ना, देखो इनके घर में कलर कितना अच्छा हो गया और यहाँ पे हमारा व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे आम के पेड़, लीची के पेड़ हैं और ये हमने लगा रखी थी पान की बेल, ये भी होने लग गई है। मैं हमेशा आपको अपने प्लांट्स दिखाती रहती हूँ, हमें ज़्यादा प्लांट्स लाने का मन करता है पर हमारे पास होता नहीं है कुछ लगाने के लिए ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिट्टी नहीं हो पाती ना। चलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे को, वहाँ इतनी तभी धूप थी कि मैंने अपना फेस ही पूरा कवर कर लिया। धूप इससे सीधे सिर पर लग रही है, वो लोग पता नहीं धूप में कैसे काम कर रहे होंगे। जब अपने पास काम होता है ना तो इंसान कैसे भी कर ही लेता है। सो अब जा रहे हैं नीचे, अब क्या करते हैं देखो। मैं थोड़ा अपना बुनाई का कंप्लीट करूँगी, जो आपने प्रीवियस यूट्यूब में देखा था मैं बुनाई कर रही थी थोड़ी। इनकी बुनाई क्या हो रही है, क्या है वो टब। चलिए अब हम आराम करते हैं। अभी सारे काम कर लिए, पहले का अभी हम कपड़े सुखा के आ गए थे तो अब मैं अपनी बुनाई लेके बैठ गई हूँ। मैं बना रही हूँ, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ, ये उल्टा फेस है, उल्टा फेस यहाँ की तरफ। किसी को कोई आइडिया होगा तो बताना कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं अभी इसी पर लगी हूँ, फटाफट से थोड़ा एक दो सीख में इसको बुनती हूँ, फिर मैं हूँ कुंभकर्ण तो मेरे को थोड़ा सोने के लिए टाइम चाहिए, फिर लंच का टाइम हो ही जाता है, इसलिए मैं फटाफट से इसको बुनती हूँ। एक तो आजकल गर्मियाँ हो गई है, फैन भी चालू हो गए हैं, पर अब मैंने ले लिया था तो मैं इसको बना रही हूँ और हाथों में इतना पसीना आ रहा है कि सीख भी हो जा रहे। अब मैंने ये इतना किया, अब मैं इसको पैक लेके अब मैं इसे थोड़ा सा अपना इसको कम्प्लीट करती हूँ। जरूर बताइएगा, मैं कमेंट्स का इंतजार करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, किसी को समझ में आया है। ये ऐसे करके गोल बनेगा, फिर इसके आगे का डिज़ाइन फिर सीखेंगे, मेरे को भी इतना ही आता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये घी, घी में डाल रहे हैं लाल मिर्च, काला नमक भी होगा और आपके पास अगर काला नमक है तो आप काला नमक भी डाल सकते हैं। यह है आपकी गैस का इलाज। फिर इसका क्या करोगे, मिर्ची निकालेंगे और घी को छान के पियेंगे। सुना आपने, इसको निकाल के इसको छान लेंगे जिससे मिर्ची के जो कुछ दाने से हैं वो निकल जाए और इसको फिर आप पी लेना।
आपकी गैस का इलाज हो जाएगा। बड़ा अच्छा इलाज होता है इसका, ईजा हमेशा करते हैं। और हमारी खाने की तैयारी भी हो गई है, लंच बन रहा है अभी। बस ये हो गया है, ये अच्छा मेरे को उसका ध्यान आ रहा। सादा नमक भी डाल सकते हैं जो हम यूज करते हैं, ऐसे उसके लिए सही था ना, सेहत के लिए। ये बचा घी, अब इसको आप छान के ठंडा हो गया पी सकते हैं। पीना तो ठंडा ही हो गया है, गर्म जगह पीना है, पेट में जगह पहुड़ा ना हो, नहीं तो हो जाएगी बंद। और भाई ईजा का वहाँ चल रहा था टीवी देखना, वो टीवी कब से टीवी खोल के आ रखे हैं। ईजा का चल रहा था भागवत, कब से लगाए हम दोनों किचन में ही थे तो भागवत लगा है, और वो रिमोट वही फ़ोन वही दीदी का आया होगा, तो ईजा आ गया किचन में। और बाहर का आज धूप बिल्कुल, ये देखिए बाहर कोई जाए कैसे जाए वाला हिसाब है, इतनी तगड़ी धूप आई। और आज ईजा ने धनिया भी निकाल दिया है दोबारा से, खेतों से धनिया निकाल दिया, अब हमारा धनिया पूरा हो गया है। आज सुबह का टावल भी गया, मेरी स्कूटी हमेशा टावल सुखाने के लिए यूज़ की जाती है, इसमें टावल ही रहता है हमेशा। और भाभी लोग जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल से जाने के लिए, बहुत तगड़ी धूप है, ये देखो आँखें तक ना खुल रही हैं भाई। चलो मैं भी अंदर ही जा रही हूँ। ये हमारे यहाँ की मार्केट, हम मार्केट में रोज़ आपको मैं यहीं से मार्केट का इंट्रो दिखाती हूँ। आज लग रहा है मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल लग रहा है सब कुछ, या तो हम जल्दी आ गए। इधर बन रही है जलेबी, मटर काफ़ी महंगे हो रहे हैं मार्केट में, 60 रुपये किलो चल रहे हैं, अभी मेरे सब्जी का हो गया था बनता है। मैंने मटर आलू साथ में उबाल लिए थे, क्योंकि मटर का ऐसा होता है ना, कितने बार बोलते हैं भूख भूलने पर फिर भी हम टाइट से रहते हैं, इसलिए इससे सबको मसाले की वो लग गई है। तो मेरी मटर आलू की सब्ज़ी मैंने बनाने को रख दी है, मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी फिर मेरी सब्जी तैयार है, उसके बाद रोटी बनानी है। और साथ में यहाँ पे इन लोगों का चल रहा है मैच, आज का IPL है, क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आज पता नहीं किसका मैच है, तो नहीं पता है, पर मैच चल रहा है, थोड़ी देर में हम भी देखेंगे और सभी चला के थोड़ी देर मैं भी जाती हूँ, फिर आटा वाटा गूंथूंगी और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी एंड करूंगी। तो मिलेंगे हम नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए मेरी सब्जी को और मुझे एक एक लाइक दे देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। बाय बाय।